रमोजदानम उसे हाँ दी के वराणम हणमी ऊणिया वड्डे माण जिने नाहम धम्म दंसन नाणम पूछामी पाइये वा करणम पूछामी पाइये है स्वरे स्वरेंतरश्च। अर्थात इस सूत्र का अर्थ है कि निर उपसर्ग या दुरुपसर्ग या अंतर उपसर्ग किसी शब्द में है तो उसके पश्चात आने वाला जो स्वर है उसका जो रा है मतलब ये वाला जो रा है इसका लोप नहीं होता। यानी निर के पश्चात या दुर के पश्चात या अंतर उपसर्ग के पश्चात जो अंतिम व्यंजन है उसका लोप नहीं होता इस सूत्र के अनुसार। क्योंकि इससे पहले वाला जो सूत्र हमने 13वें नंबर का पढ़ा था निर्दुरोर्वा उस सूत्र में निर और दुर उपसर्ग में जो अंतिम व्यंजन था उसका लोप किया जाता था। तो यहाँ जिस जिसमें लोप नहीं होगा उन शब्दों को उन उदाहरणों को हम यहाँ देखेंगे। तो एक उदाहरण आपके समक्ष लिखा जाता है जिसका अंतराप अंतरप्पा अंतर धन आत्मा। इसकी संस्कृत बनेगी अंतरात्मा आपको पता ही है। इसकी प्राकृत बनेगी अंतरप्पा। इसकी संस्कृत यहाँ लिख दी हमने इसको तोड़ के इसलिए लिखा है कि जिससे आपको जल्दी समझ में आया इसकी प्राकृत कैसे बनानी है। यहाँ अंतर उपसर्ग लगा हुआ है उसमें आत्मा शब्द जुड़ा हुआ है। अंतरात्मा ये शब्द है उस शब्द को जब तोड़ा उसका संधि विच्छेद किया तो अंतर उसमें उपसर्ग है और आत्मा उसमें शब्द है। अर्थात ये अंतर उपसर्ग में क्या लिखा था उसके बाद यदि कोई अंतर आत्मा में अंतर का जो रा है अंतिम व्यंजन उसको उसका लोप नहीं होगा। अब जो आत्मा शब्द है उस आत्मा शब्द को सबसे पहले हम चेंज करेंगे ये किस तरीके से होगा। तो अंत में जो संयुक्त अक्षर है आधा ता और मा इसके स्थान पर कोई दूसरा व्यंजन आदेश होगा। तो सूत्र है दूसरे अध्याय का 51वां नंबर का सूत्र है भस्मात्मनो पोवा भस्मा मनो पो वा। ये सूत्र कह रहा है कि भस्म और आत्मन शब्द में भस्म और आत्मन शब्द में क्या आदेश हो जाता है पा आदेश हो जाता है विकल्प से किसके स्थान पर संयुक्त व्यंजन यानी आधा ता और मा और आधा ता और मा इसके स्थान पर पा आदेश हो जाता है। हमारे शब्द में आधा ता और मा है इसलिए इसके स्थान पर करेंगे हम पा आदेश आधा ता और मा इसके स्थान पर किया पा आदेश। तो यहाँ अंतर शब्द को अभी ऐसा ही रखा धन आत्मा में आ पा है। अब जब कोई भी आदेश होता है तो आपको पता है जो दूसरा व्यंजन है या उसी व्यंजन का द्युत होगा यानी इसमें पा है तो ये पा का द्युत होगा। किस सूत्र से 2y89 नंबर के सूत्र से अनादौ शेषा देशो द्वितीयम सूत्र से हम क्या करेंगे इस पा का द्युत करेंगे। तो यहाँ बना आप पा आएगा दीर्घ है पा आप पा। लेकिन हमने आपको पूर्व में बताया था कि जब भी कवि संयुक्त तो हो उससे पहले ह्रस्व आता है। संयुक्त से पहले ह्रस्व स्वर आना चाहिए ये नियम है प्राकृत का। यानी जो जो आधा पा और पूरा पा ये संयुक्त व्यंजन है इससे पहले ह्रस्व आ ठीक है। अब इसके पश्चात अब अंतर शब्द आगे लगा हुआ है उपसर्ग के रूप में तो अंतर में इस अप्पा की संधि कर दी। अंतर को इस जी जो अंतर है इसमें रा ये बिना स्वर का है इसमें ये आ जुड़ जाएगा तो बन गया संधि करके अंतरप्पा अंतरप्पा।
ये जो अंतर का जो आधा ना है इसको भी हम अनुस्वार कर सकते हैं किससे, ये संधि किससे की अपन ने, ये 1/14 नंबर के सूत्र से। इस सूत्र में कह रहा है कि जो अंतर शब्द के बाद में कोई स्वर आए तो वह उसमें लोप नहीं होता उस स्वर का। तो अर्थात 1/14 से अपन ने क्या किया, पहला लोपाभाव, उसको कहते हैं लोपाभाव। 14 नंबर के सूत्र ने क्या काम किया, लोपाभाव, मतलब उसका पहला वाला जो र व्यंजन में था उस र व्यंजन का आ इससे संधि की है, अर्थात इसमें लोप का अभाव कर दिया। लोप होना चाहिए था जो र का, उसका अभाव कर दिया, इसलिए लोपाभाव। और 1/5 नंबर के सूत्र से हमने इसमें संधि कर दी, पदयो संधिर्वा सूत्र से इसमें संधि हो गई। ठीक है, 1/14 से तो लोप का अभाव किया है और इससे संधि। यहाँ 1/25 नंबर का सूत्र का प्रयोग किया, गा या णा और नो व्यंजने, इस सूत्र से इसका क्या हो गया, जो ना है नो व्यंजने में ना है, ना का अनुस्वार हो जाएगा इस सूत्र से, तो इसलिए ये अंतर अप्पा शब्द बन गया टोटल। तो इस सूत्र का काम भी हम यहाँ लिख देंगे, ना का अनुस्वार, अनुस्वार। इस तरह से ये पूरा शब्द सिद्ध हुआ। एक बार पुनः अपन देखेंगे, अंतर धन आत्मा यानी अंतर आत्मा शब्द है, इसमें मूल शब्द आत्मा है, उसमें अंतर उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ के सूत्र से दीर्घ आ का ह्रस्व आ किया तो अप्पा बना, तो यहाँ इस अंतर शब्द को जोड़ना है, तो 1/14 नंबर मतलब जो भी सूत्र चल रहा है सोरेन तरश्य, इस सूत्र से लोप का अभाव किया। जो आगे अगला उदाहरण हम देखेंगे, निरव शेषम, निरव शेषम, अर्थात उस शब्द से ये मालूम चलेगा कि निरुपसर्ग का अपन को क्या करना है। अभी अंतर शब्द का उदाहरण देखा था, अब निरुपसर्ग का, निर धन अवशेषम, ये निरवशेषम, यहाँ निर उपसर्ग लगा हुआ है, इसको यदि पूरा मिला के लिखें तो इसकी संस्कृत ये बनेगी, निरवशेषम। यहाँ इस शब्द की अपन को प्राकृत बनानी है, तो निर्धन अवशेषम शब्द है, तो सबसे पहले अंतिम मार्क का अपन अनुस्वार करेंगे, कौन से सूत्र से, विभक्ति हटा करके यानी नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय लगाएंगे, तो 3/25 नंबर के सूत्र से लगाया नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय, तो उससे क्या हुआ, सी प्रत्यय से माँ की प्राप्ति हुई, और मोनुस्वारा से 1/23 नंबर से माँ का अनुस्वार कर दिया। यहाँ 3/25 नंबर का दंत साहब, तो अब शे शम ये बना, इससे पहले निर उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यहाँ इसको जोड़ने के लिए 14 नंबर के सूत्र ने क्या किया, लोपाभाव यानी लोप का अभाव कर दिया, लोपा भाव अर्थात लोप का अभाव कर दिया, तो इसको इसमें जोड़ा संधि की, तो 1/5 नंबर के से संधि की, तो निरवशेषम, निरव ये रा व्यंजन स्वर रहित है, इसको जोड़ा तो ये स्वर इसमें लगा तो पूरा रा हो गया निरवशेषम। यहाँ इसकी प्राकृत बनी निरव से, ये निर उपसर्ग के साथ में, इसमें अंतिम रा व्यंजन का लोप नहीं हुआ है ना। दुरुत्तरम, दुरुत्तरम ये संस्कृत का शब्द है, इसकी प्राकृत बनानी है दुरुत्तरम,
द्रुततरम। देखिए ये रा में जो उ लगा हुआ है, इन दोनों में अंतर समझना। ये ह्रस्व उ है और ये दीर्घ उ है, यदि इसको घुंडी बनाकर बनाया जाता है तो ये दीर्घ है और ये ह्रस्व है। इन दोनों को अपन को देखना है। अंतिम मा का अनुस्वार करने के लिए आपको पता ही है, 3/25 नंबर का सूत्र लगाया और जिससे नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय से माँ की प्राप्ति हुई, और 1/23 नंबर से माँ का अनुस्वार कर दिया, तो यहाँ बना दुरुत्तरम, ये शब्द बना। अब आगे दुरुत्तर का, इसमें ये ह्रस्व ही लगेगा, इसमें दीर्घ नहीं होगा, ह्रस्व ही है दुरुत्तरम। यहाँ 1/14 नंबर से लोपाभाव किया, यानी दुरुपसर था उसमें उत्तरम ये शब्द था, तो उत्तरम का अपन ने इसको लोपाभाव किया, रा का लोपाभाव किया, रावेंजन का लोप नहीं होगा, और उसका 1/5 नंबर से संधि कर दी, यानी इसको अलग अलग ही अपन को लिखना होगा, दुर धन उत्तरम, ऐसा दुरुत्तरम, ये पूरा शब्द बना दुरुत्तरम। ये दुरुत्तर के साथ में एक शब्द, इसके अतिरिक्त एक एक उदाहरण और निर और दुरुत्तर के हैं जो आपको होमवर्क में दिए जाते हैं। उदाहरण है निरंतरम, निरंतरम, और दूसरा उदाहरण है दुर्वगाहम, दुर्वगाहम। परी यानी अंतर्धन उपरी, इसका प्राकृत बनाना है अंतोबरी। अंतोबरी, अब यहाँ आप देख रहे हैं ऊपरी शब्द के आगे उपसर्ग लगा हुआ है अंतर, तो अंतोबरी अपन को बनाना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पाकिस्तान पे बा है, तो वो वहां लोप, यानी अंत का लोप किया और धन, मतलब अंत के बाद रा का लोप किया, धन है उबरी। या अब आपको मालूम है यदि आ के आगे ऊ हो तो आधन ऊ बराबर क्या होता है, ओ संधि। तो एक बार पुनः देखें शब्द को बनाना। 1/231 नंबर के सूत्र से पाकिस्तान पे बा आदेश किया है, अर्थात यहाँ ऊपरी शब्द के स्थान पर ऊबरी बन गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ जो अंतर है इस शब्द का यानी उपसर्ग का, हमने इस 14 नंबर के सूत्र से लोप किया, यहाँ लोपाभाव नहीं किया, क्योंकि लोप और लोप का अभाव दोनों चीजें इस सूत्र से हो सकती हैं, इसलिए पहले के जो उदाहरण थे वो लोपाभाव वाले थे, ये वाला उदाहरण लोप वाला है, अर्थात इसी से 1/14 नंबर से हमने रा का लोप किया, तो यहाँ बचा अंत धन उबरी। अब इसमें संधि की, पदयो संधिर्वा सूत्र से 1/5 नंबर के सूत्र से संधि की, तो संधि किस किस की होगी, आ धन ऊ, ये इसमें आ है और ये ऊ है, तो आ धन ऊ बराबर ओ, ये हमें मालूम है संस्कृत के व्याकरण से, तो आ धन ऊ बराबर ओ कर दिए, नहीं अंतोबरी शब्द बना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ जो आधा ना है इसका अनुस्वार करने के लिए 1/25 नंबर का सूत्र उपयोग किया, गा नो व्यंजने, उससे ना के अनुसार कर दिया, अंतोबरी शब्द यहाँ प्रार्थना। इस प्रकार के 14 नंबर के सूत्र के जितने उदाहरण थे वो हमने सभी यहाँ देख लिए हैं।